A very good evening, students. Today I am going to start another topic of lesson two. द टॉपिक नेम इज़ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आज हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन किस तरह की स्ट्रक्चर है हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन इज़ हैप्लॉयड इन नेचर हैप्पलॉयड होता है और ये यूनिसेलुलर बॉडी है एंड इट इज़ कवर्ड बाय टू लेयर्स बाहर वाली जो लेयर होगी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन दिस इज़ कॉल्ड एक्जाइन एग्जाइन कैसी होती है स्पाइनी होगी वार्टी होगी लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये स्पाइंस मिसिंग होते हैं दैट पर्टिकुलर पोर इज़ नोन एज जर्म पोर इसको हम जर्म पोर कहते हैं अंदर वाली जो लेयर होगी दिस इज़ कॉल्ड इंटाइन ये इंटाइन कहलाती है अंदर की तरफ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और ये जो न्यूक्लियस है ये क्योंकि म्योसिस प्रोसेस से बना है इसलिए ये हैप्लॉयड इन नेचर होगा अब ये जो बाहर एग्जाइन लेयर है एग्जाइन लेयर रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट किसके जो फिजिकल केमिकल और जो बायोलॉजिकल जो डिकम्पोजिशन है उससे इसको ये प्रोटेक्ट करती है इट मीन्स ये अनफेवरेबल कंडीशनस को टॉलरेट करने की जो स्टेमिना है वो पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करती है तो इस तरह से हम कह सकते ते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो टू लेयर्ड होता है वन इज आउटर मोस्ट कवरिंग एग्जाइन और अंदर वाला इंटाइन और इसमें हैप्लोइड नेचर का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा अब ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन बनता कैसा है क्या प्रोसेस है पोलन ग्रेन का बनना या जो प्रोसेस है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं माइक्रो माइक्रो मीन्स स्मॉल छोटे स्पोरोजेनेसिस जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर किन से बनते हैं इससे पहले हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा था एंथर का जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन था उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम एम एम सी कहते हैं एमएमसी मीन्स माइक्रोस्फोर मदर सेल्स माइक्रोस्फोर मदर सेल्स डेपलॉयड होती हैं नेचर में लेकिन वो रेडी हो जाती हैं डिवीजन के लिए और कौन सा डिवीज़न होता है उसमें मियोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन के बाद में जो माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं दे विल बी इन हैप्लॉयड इन नेचर हैप्लॉयड होंगे ये सारे के सारे क्योंकि म्योसिस डिवीजन के द्वारा बनी हुई जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉयड नेचर में होंगी तो एक माइक्रोस्पोर मा, मदर सेल से सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं फोर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे सेट्स जो होंगे उसमें वो सिंगल यानी कि हैप्पलॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सेकेंड नेम माइक्रो गैमिटोजैनिस भी कहते हैं गैमिटो गैमिटोमीन्स गैमिट क्योंकि तो ये क्या है दिस इज द मेल गेमिट पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा मेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगा अब ये जो माइक्रोस्पोर्स जो बन गए हैं इनका एक लगने का एक पर्टिकुलर खास पैटर्न होता है ये जो पैटर्न है ये पांच तरह का होगा नंबर वन इज टेट्राहेड्रल हेड्रल पोजिशन इसमें तीन आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे एक इसके बैक साइड में होगा सेकेंड इज आइसोबाइलेट्रल आइसोबाइलेटरल में क्या होगा आपको चारों ये सामने दिखाई देंगे नंबर थर्ड इज़ डेकोसिट डैकोसेट में दो ऊपर की तरफ होंगे एक नीचे की तरफ एक इसके बैक साइड में होगा एंड नंबर फोर इज़ टी शेप्ड टी शेप्ड में भी अरेंज होंगे दो माइक्रोस्पोर ऊपर होंगे और दो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे एंड लास्ट इज द लीनियर लीनियर में क्या होगा चारों जो माइक्रोस्पोर होंगे वो ऊपर नीचे वन टू थ्री इस तरह से जो माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट है वो पाँच तरीके से हो सकता है पाँच तरीके से ये लग सकते हैं अब माइक्रोस्पोर्स के बनने के बाद में जैसे ही मेच्योरिटी अटेन कर लेंगे क्योंकि ये क्या है ये हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एंथर ये मेच्योर एंथर की स्ट्रक्चर है अब ये जो एंथर्स हैं ये बस्ट करेंगे और पोलन ग्रेन को इसमें से लिबरेट करते हैं लिब्रेशन का इसका तरीका है डिस्ेंस का इसका तरीका है डिसेंस का मतलब फटना किसका फटना मेच्योर एंथर का जब मेच्योरिटी को गेन कर लेगा यानी कि जब उसमें पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं कंप्लीटली मेच्योर्ड हो जाते हैं ये पोलन ग्रेन है बाइलोव्ड पोलन ग्रेन है अगर ये लंबाई में स्लिट करता है तो ये लॉन्जिटूडिनल डिसेंस ऑफ मैथड कहलाएगा कई बार क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं ऊपर की तरफ एक ओपनिंग बन जाती है और वो एक ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलता है तो दिस इज दिस काइंड ऑफ डहीसेंस इज़ नॉन एज पोरस एंड थर्ड इज़ ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स में क्या होगा इस तरह से जो अर्थ के हॉरिजोनटल इसमें स्लिट बन जाएगा और यहाँ से जो है जो पोलन ग्रेन्स है वो लिबरेट कर जाते हैं और स्टेमिना के ऊपर पहुँच जाएंगे एंड नेक्स्ट इज लिड होता है ढक्कन ढक्कन होता है, की तरह से से ये फट जाएगा और इसमें जो pollen grains होते हैं, वो लिबरेट कर जाते हैं तो मेच्योरिटी के बाद भी एंथर से पोलन ग्रेन का निकलने के चार तरीके हो सकते हैं नंबर वन इज लॉन्जिट्यूडिनल नंबर टू इज पोरस एंड नंबर थर्ड इज ट्रांसवर्स एंड नंबर फोर इज वाल्व्यूलर तो इस तरह से पोलन ग्रेन्स लिबरेट हो जाएंगे अब पोलन ग्रेन्स का क्या होना है किस तरह से वो फीमेल पार्ट के ऊपर पहुंचते हैं यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा दिस इज़ कॉल्ड पोलिनेशन उसको हम आगे लेंगे लेकिन उससे पहले पोलिनेशन होने से पहले भी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पोलन ग्रेन्स में कुछ चेंजेस आते हैं अब वो चेंजेस क्या आते हैं वो लेंगे बिफोर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन में जो चेंजेस आते हैं वो क्या है अभी मैंने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको बताया कि पोलन ग्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग एग्जाइन कहलाती है और अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसको एंटाइन और जहाँ पर ये मिसिंग होता है दिस इज कोल्ड जर्मपोर अंदर इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है बिफोर पोलिनेशन दिस न्यूक्लियस अंडर गोज माइटोटिक डिविज़न इसमें माइटोटिक डिविजन होता है माइटोटिक डिविज़न क्यों होता है और वो जो माइटोटिक डिवीजन होगा ये भी अनइक्वल होगा अनइक्वल से दो सिल्स बन जाएंगी और जो क्रोमोसोम क्योंकि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट कितना है एन हैप्लॉइड सेट है तो माइटोटिक डिवीजन में जो सेल के अंदर जितना भी सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम रहेगा तो इसमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर एन और एन आ जाएगा तो जो बड़ी सेल्स बनती है बड़ी सेल का जो नाम है उसको हम ट्यूब या फिर वेजिटेटिव सेल कहते हैं एंड नंबर टू जो स्मॉलर सेल बनती है इसको हम जेनरेटिव सेल कहते हैं तो पॉलिनेशन से पहले थोड़ा सा इसके अंदर डेवलपमेंट होता है मेल गेमिटोफाइट जिसको हम कहेंगे या पोलन ग्रेन इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स बट अनईक्वली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये बात आप यहाँ बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि जो माइटोसिस है माइटोसिस में जो सेल्स बनेंगी वो दो बनेंगी और मियोसिस में सेल्स की जो संख्या होगी वो चार होंगी तो इस तरह से ये पहला पॉइंट आ गया आपका प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट अब पोलिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद में इसमें फिर से चेंजेस आएंगे फिर से डिफरेंट हो जाएगा ये कैसे वो डेवलपमेंट होगा अब वो लेते हैं नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट मेल गैमिटोफाइट में अब क्या होगा क्योंकि वहाँ हमारे पास में टू अनइक्वल सेल्स बनी थी टू अनइक्वल सेल्स में वन इज वेजिटेटिव सेल एंड वन वाज़ द जेनरेटिव सेल अब जो जेनरेटिव सेल है जेनरेटिव सेल आगे की तरफ इसका न्यूक्लियस बढ़ता है और सबसे आगे की तरफ जो रहता है वो ट्यूब न्यूक्लियस रहता है ट्यूब न्यूक्लियस नाम से ही पता चल रहा है ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा पोलन ट्यूब बनाता है और जो जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इट फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स एंड गिव राइज टू मेल गेमीट कितने मेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगा जो जेनरेटिव सेल है जेनरेटिव सेल टू मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन करेगा ट्यूब सेल्स जो होती हैं ये आगे बढ़ती चली जाएगी किसके ऊपर बढ़ेगी ये स्टिग्मा के ऊपर बढ़ेगी वहाँ जाकर ये पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन करेगी वो एक अलग प्रोसेस है उसको हम आगे लेंगे तो पॉलेन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर पहुँचना ही क्या कहलाता है पॉलीनेशन कहलाता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन ये पॉलिनेशन प्रोसेस होगा पॉलिनेशन प्रोसेस में हमने दो तरह के वो पढ़े एक तो प्री पॉलीनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट और दूसरा आपका पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट अब हम लेंगे पॉलिनेशन पॉलिनेशन कितने तरह का होता है पॉलीनेशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन तो अब सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा किस तरह से होगा सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को हम इस फिगर से समझ सकते हैं ये यह देखिए यहां दो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर फ्लावर्स हैं तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के फ्लावर के ऊपर अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं या फिर किसी एजेंट के द्वारा गिरेंगे अब जैसे ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट सेम प्लांट के ऊपर या सेम फ्लावर के ऊपर अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है सेम प्लांट के ऊपर ये पोलन ग्रेन जो फ्लावर है एक ही फ्लावर है इसी का पोलन ग्रेन इसके ऊपर जब गिर जाता है तो वो ओटोगैमी कहलाता है लेकिन अगर फ्लावर अलग हो लेकिन प्लांट सेम हो दिस इज़ कॉल्ड जीटनोगैमी इसको हम जीटनोगैमी कहते हैं यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज ओटोगैमी एंड सेकेंड इज जीटनोगैमी क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा क्रॉस पोलिनेशन में प्लांट ही डिफरेंट हो जाता है जब प्लांट डिफरेंट होगा तो ओबियसली फ्लावर भी डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ से निकल के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जब गिरता है तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा उसको हम एलोगेमी या फिर जीनोगैमी कहते हैं तो पोलिनेशन दो तरह का हुआ सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन में आपका क्या हुआ दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया ओटोगैमी और जिटनोगैमी ऑटोगैमी में उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी के ऊपर उसी के स्टिग्मा के ऊपर जब चला जाता है ट्रांसफर हो जाता है तो उसको ओटोगैमी कहते हैं लेकिन प्लांट एक हो और फ्लावर अगर डिफरेंट हो तो उसको हम जिटनोगैमी कहते हैं जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या है प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं हेयर इज द फ्लो चार्ट ऑफ पोलिनेशन पोलिनेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है दो पार्ट्स में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन का एग्जाम्पल आता है आपका ऑग्जेलिस यानी कि खट्टी बूटी आर्जिमोन आर्जिमोन मैक्सिकाना को हम हिंदी में पीली कटैली के नाम से भी जानते हैं अब जो क्रॉस पोलिनेशन है क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमें एजेंट्स की आवश्यकता होती है वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं एयर भी हो सकता है वाटर हो सकता है एनिमल हो सकते हैं या फिर ह्यूमन बींग का इन्वॉलमेंट हो सकता है अब जो एयर पोलिनेशन है उसको हम एनिमोफिली कहते हैं इफ़ द पोलिनेशन टूक्स प्लेस थ्रू द एयर हवा के द्वारा या विंड के द्वारा अगर होगा तो वो एनिमोफिली कहलाएगा एनिमो एनिमो मीन्स एयर फिली फिलीमीस लविंग यानी कि एयर के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को हम एयर पोलिनेशन कहेंगे तो एग्जाम्पल ऑफ द एयर पोलिनेशन इज पाइन और कॉर्न कॉर्न यानी कि मक्का भुट्टा जिसको आप कहते हैं नंबर टू इज वाटर पोलिनेशन वाटर पोलिनेशन हाइड्रोफिली हाइड्रो हाइड्रोमींस वाटर फिलस लविंग यानी कि वो पोलिनेशन जो वाटर के द्वारा होता है पानी के द्वारा होता है उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं एग्जाम्पल हाइड्रीला और वेलिसनेरिया बोथ आर द एक्वेटिक प्लांट ये एक्वेटिक प्लांट है इसलिए इनमें पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर के थ्रू होगा एंड नंबर थर्ड इज एनिमल पोलिनेशन एनिमल इसको हम कहते हैं जू फिली जू मीन्स एनिमल यानी कि वो पोलिनेशन जो एनिमल्स के द्वारा होता है उसको हम जू फिली कहते हैं एंड फोर्थ इज आर्टिफिशियल पोलिनेशन इसमें ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ के द्वारा होगा अब ये जो जू फिली है इसको हम फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं जू एनिमल्स बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हम लेंगे सबसे पहले कैटेगरी आती है इंसेक्ट इफ द पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द इंसेक्ट्स दिस इज कॉल्ड एंटीमोफिली अगर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम एंटीमोफिली कहते हैं एग्जाम्पल इसमें पी यानी कि मटर फिग अंजीर सेकेंड बर्ड पोलिनेशन इफ़ द पोलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द बर्ड्स बर्ड्स के द्वारा होता है जैसे हमिंग बर्ड है हमिंग बर्ड आ, आ, किस में हेल्प करती है पोलिनेशन में हेल्प करती है बहुत छोटी सी बर्ड होती है इंग्लैंड में पाई जाती है तो इस तरह का जो पोलिनेशन होगा उसको हम और फिली कहेंगे फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट इज बिगोनिया इसका एग्जाम्पल आ जाता है बिगोनिया नंबर थर्ड इज़ स्नेल पोलिनेशन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें स्नेल्स के द्वारा होता है पोलिनेशन तो वो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा येम और जिमिकंद जिमिकंद हिंदी में कहते हैं और इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा उसको मेलेकोफिल्स कहते हैं ये स्नेल के द्वारा पोलिनेशन होगा होता तो है आपका एंट पोलिनेशन एंट पोलिनेशन जो देखने को मिलता है वो बर्फ फ्लावर के अंदर इसको हम हिंदी में कदम कहते हैं मिर्मियोफिली कहते हैं इसको इस तरह का जो पॉलीनेशन होगा उसको मिर्मियोफिली कहलाएगा नेक्स्ट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉलीनेशन बैट्स के द्वारा यानी कि चमकादड़ों के द्वारा होता है तो उस तरह का जो पोलिनेशन है वो चिरेप्टोरीफिली कहलाएगा चिरोप्टरिफिली का जो एग्जाम्पल आएगा वो माउंटेन एबनी इसको हम हिंदी में कचनार कहते हैं नेक्स्ट स्क्विल्ड पॉलिनेशन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें स्क्विल्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है जैसे इसमें आ जाता है न्यूकैना प्लांट है ये वेस्ट इंडीज़ या न्यूजीलैंड वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये प्लांट पाया जाता है तो उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो स्क्विल्ड के द्वारा होगा एंड लास्ट इज़ द एलिफेंट पॉलिनेशन एलिफेंट पॉलीनेशन एलिफोफिली कहलाता है और जिस प्लांट में एलिफेंट्स के द्वारा होता है वो रेफिलीशिया ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है और इसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है रोटन मीट के जैसी इसमें से स्मेल आती है इसकी खास बात होती है तो जो एलिफेंट्स होते हैं उसके ऊपर जब अपना फूट रखते हैं पैर रखते हैं तो दूसरे के ऊपर तो ये पॉलिनेशन एलिफेंट्स के द्वारा होगा तो इस तरह से ये कैटेगरी हो जाती है आपकी एनिमल पॉली पोलिनेशन की इंसेक्ट हो गया बर्ड्स स्नेल एंड बैट्स स्क्वेल एंड एलिफेंट अब लेते हैं जो सेल्फ पोलिशन होता है प्लांट्स में वो किस तरह की अडेप्टशंस अपने अंदर लेते हैं ताकि उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो ये तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे पहले आता है बाई सेक्शुअलिटी यानी कि वो फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होंगे तो वहाँ पर जो पोलिनेशन uh, होगा वो हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा दूसरा आता है होमोगैमी होमो होमो मीन सेम गैमस मीन्स मैरिज यानी कि जब मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो दोनों सेम टाइम पर मेच्योर होते हैं मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट्स मेच्योर एट द सेम टाइम पीरियड दोनों सेम टाइम पीरियड पे अगर मेच्योर होते हैं तो वो होमोगेमी कहलाएगा इसलिए वो भी रेफर करेगा किसको सेल्फ पोलिनेशन को तो होमोगेमी लीड्स लीड सेल्फ पोलिनेशन एंड लास्ट इज क्लिस्टो क्लिस्टोमीन्स क्लोज्ड बंद गैमी मैरिज यानी कि यहाँ क्या है कि वो फ्लावर्स जो कभी नहीं खिलते हैं जो कभी ओपन नहीं होते हैं उनको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं और उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो क्लिस्टोगैमस होने की वजह से वो सेल्फ़ पॉलिनेशन को शो करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मूँगफली अरेकिस हाइपोजिया हाइपोजिया यानी कि ज़मीन के अंदर लगती हैं जो मूँगफलियाँ होती हैं फ्लावर्स का बाहर होता है लेकिन बाद में अंदर बरीड हो जाता है तो इसमें जो पोलिनेशन होगा वो सेल्फ पोलिनेशन होगा इन द सेम पैटर्न ऑक्जेलिक्स ऑक्जेलिक्स भी सेल्फ पोलिनेशन शो करेगा तो ये तीन अडेप्टशंस जब होती हैं प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर तो वो लीड करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिस्टोगैमी पूछा जाता है और होमोगेमी यानी कि सेम टाइम पर दोनों का मेच्योर हो जाना मेल और फीमेल पार्ट्स का होमोगेमिक लिस्टो बंद यानी कि क्लोज्ड और बाई यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स का एक ही ए, ए, फ्लावर के अंदर पाया जाना मेल और फीमेल पार्ट का तो ये आपका यहाँ तक आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पोलिनेशन से या पोलन ग्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहाँ से टेलीग्राम से इन नोट्स को ले सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं मुझे आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू हैव अ ग्रेट डे बाय मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ